जिस टाइम आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका एसएससी में जॉब हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको एक प्राउड फील होगा कि हमने ये जॉब पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी अपने लाइफ में। रात रात भर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया था, कुली का काम किया था, सुपरवाइजर का काम किया था, बहुत ज्यादा मेहनत किया था, तब जाके आज हमें ये जॉब हासिल हुई है। तो उस दिन के लिए पढ़ाई करना है जिस दिन अपने बाप को अपने नाम से पहचाना जाए, अपने पिताजी को अपने बेटे के नाम से पहचाना जाए कि हाँ इसका बेटा सीआईएसएफ में जॉब करता है, इसके उस दिन आपके पापा का जो सर है ना वो सम्मान से खड़ा हो जाए, और उस दिन के लिए हमें पढ़ाई करना है और जाल लगा देना है आपकी बात। क्या समझ भाई? देखिए, दारू पीने के लिए लड़कीबाजी के लिए हर कोई मोटिवेट कर देता है, लेकिन पढ़ने के लिए जो बंदा मोटिवेट करे वैसे बहुत कम बंदे मिलते हैं। और ये मेरा भाई, आपने सुना होगा दारू पीने से आदमी मर गए, लड़की चक्कर में आदमी मर गए, लड़ाई करके आदमी मर गया, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते आदमी मर गया। तो पढ़ाई करने से कोई मरता नहीं है, तो पढ़ाई आपकी बार सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पढ़ाई को आप कभी भी अवॉइड मत करो, और खासकर ऐसे जुड़े एस्पिरेंट के लिए। कोई गदर पिक्चर में शूटिंग करने जा रहा है तो कोई लड़की को रात को 12 बजे उठा रहा है, हॉस्टल में देखिए लड़कियों। जय हिंद दोस्तों। मैथ को देखने से आपको डर लगता है, रीजनिंग को देखने से आपको डर लगता है, बनाने का मन नहीं करता, बोलते हो मेरे से नहीं हो पाएगा। एक टाइम मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट एक बंदा था जिसने मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया था, और वो बंदा 2021 में दोस्तों मेरे ही साथ मेरे से ज्यादा और भी ज्यादा स्कोर रखा हुआ था, और उसका दोस्तों सब मस्त था, लेकिन वो फिजिकल नहीं क्लियर कर पाया, क्योंकि दोस्तों उसका दो रीजन था, क्योंकि बेचारा वो काम करता था और काम करके दोस्तों फिर वो फिजिकल तैयारी कर, उसके चक्कर में उसका फिजिकल नहीं हो पाया। और वो एक बहुत ही अच्छा बंदा है, और आज वो मेरे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। आइए उस बंदे से आपको मिलाता हूँ, जो कि पढ़ने के लिए, खास कर देखिए, दारू पीने के लिए लड़कीबाजी के लिए हर कोई मोटिवेट कर देता है, लेकिन पढ़ने के लिए जो बंदा मोटिवेट करे वैसे बहुत कम बंदे मिलते हैं। और ये मेरा भाई है जिसने मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया था SSC GD में, और ये मेरा भाई है। और भाई, अभी SSC GD के एस्पिरेंट के लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस सेट लगाते रहना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे हो तो देखो, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से न्यू एग्जाम के पैटर्न पे आप सबके लिए दोस्तों इसके प्रैक्टिस सेट और दोस्तों इसके गाइड अवेलेबल हो जाते हैं, न्यू एग्जाम के पैटर्न पे हैं। और आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट पे दोस्तों बेस्ट सेलर में ट्रेंड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप चाहो तो इस बुक को परचेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। न्यू एग्जाम के पैटर्न पे तो आपकी मदद हो जाएगी, और आज के डेट में प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि पैटर्न किसी को पता नहीं है कि इस बार SSC GD का पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का। नहीं, और अब की बार हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा कि पैटर्न क्या होगा, लेकिन जो एग्जाम के पैटर्न पे, अब हम लोग अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग एग्जाम के पैटर्न पे सबने अपने अपने हिसाब से सब बनाया, नहीं, चाहे वो टेस्ट बुक हो जाए, चाहे वो कोई भी आपका ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सबने अपने अपने हिसाब से अच्छा अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ। लेकिन सबका एक चीज आप गौर करिएगा कि जो प्रैक्टिस सेट वगैरह जो हम मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं ऑनलाइन, सबका अलग अलग है, नहीं, किसी का हार्ड है, किसी का इजी है, किसी का कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी है, नाम तो नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंपनी का हमने देखा है ऑनलाइन में प्रैक्टिस सेट है जो कि मॉक टेस्ट वगैरह है, जो कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस लगा रहे बच्चे, उसी का ज्यादा लगाते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब मैं बोलता हूँ CGL लेवल का क्वेश्चन डाल देता है वहां पे, तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ ज्यादा ही है। और अभी के दौरान में सुमित भाई, अभी हम लोग खासकर जब SSC GD के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए एक SSC एस्पिरेंट को अभी के टाइम पे, कि और टाइम नहीं बचा, एक महीना का टाइम बचा, तो अभी क्या क्या मतलब स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए आपके ख्याल से? हिंदी और रीजनिंग में फोकस करना चाहिए, जिसका GK अच्छा हो GKS देगा, जिसका मैथ अगर अच्छा हो तो मैथ करेगा ही। प्रैक्टिस सेट इसलिए लगाते रहना चाहिए क्योंकि अगर SSC अगर पैटर्न चेंज भी करेगा तो कितना चेंज करेगा, एक दो तीन चार नंबर का चेंज कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से वो आपको आ ही जाएगा सबको, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहना चाहिए, जरूरी है। प्रैक्टिस सेट इतना इम्पोर्टेंट है ना, जैसे ठंडा का दिन में एक पति को दोस्तों पत्नी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक एस्पिरेंट के लिए भाई किताब जरूरी है। देखिए, मेरा कोई भी डेफिनेशन खराब नहीं है भाई, आप खराब में मत लेना। एक पति को पत्नी की जरूरत पड़ती है ना, ठंडा का दिन है, आदमी बिल्कुल नहीं छोड़ता है, नहीं, हमारी शादी भी ठंडा के दिन में ज्यादा होता है, वैसे ही भाई अभी ठंडा का दिन चल रहा है, हमारी भी शादी होने वाली है 10 तारीख के बाद, मतलब बोले तो हम लोग का एग्जाम होने वाला है SSC GD का, तो शादी के लिए तैयार रहिए और अपने किताब को मत छोड़िए, इस बार SSC GD को घाड़ देना है आपकी बार, किताब से प्यार करिए ना, किताब को चाटिए, चुमा चाटी करिए, किताब के साथ सोइए, लेकिन इतना पढ़ लीजिए किताब को कि SSC GD का एग्जाम देने जब आप जाए तो वहां पे आपका पेन ना थरथराए, सॉरी पेन मैं बोल रहा हूँ, अभी तो CBT चल रहा है ना, उंगलियां ना थरथराए क्वेश्चन अटेंड करने में, उस लेवल का पढ़ाई करना है, चाहे आप कोई से भी बिलोंग करते हो, सिक्योरिटी वाला काम कर रहे हो, कुछ भी करो, मेरा भाई खुद ही एक मोटिवेशन है, अगर आप बात करोगे काम करके पढ़ाई करने का बात ना, तो ये खुद भी 8 घंटा काम करने के बाद फिर भी आगे घर में पढ़ाई करता है, और ये भी भाई एक मोटिवेशन है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं ना फोन करके, ओडिशा के ही है हमारे, कि सौरभ भैया हम लोग 8 घंटा काम करके पढ़ाई करते हैं, हम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता, सोने का मन करता। ये भी है एक बंदा, ये भी 8 घंटा पढ़ता है, इसका शकल सूख गया है भाई,
पढ़ पढ़ के 8 घंटा काम करने के बाद भी आके देखिए उसको सारा मारा हो हंस रहा हमको पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच है रियलिटी रियलिटी 8 घंटा वो भी काम करता है और फिर आके पढ़ाई करता है। और भी मेरा एक दोस्त है, मैं आपको मिलाऊंगा उससे, उसका घर में उसके पिताजी नहीं है, उसके पिताजी का डेथ हो गया है, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, ठीक है। सिक्योरिटी काम करने के बाद वो रात भर मतलब सोता नहीं है, उसको रात भर वहां पे गार्ड का काम करता है, रात भर पढ़ाई करता है, फिर सुबह आता है, सुबह भी 4-5 घंटा पढ़ता है, 3 घंटा पढ़ के वो मतलब 3 घंटा सो के जाता है। आपने सुना होगा दारू पीने से आदमी मर गए, लड़की चक्कर में आदमी मर गए, लड़ाई करके आदमी मर गया, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते आदमी मर गया। तो पढ़ाई करने से कोई मरता नहीं है, तो पढ़ाई अब की बार सबसे ज्यादा जरूरी है, तो पढ़ाई को आप कभी भी अवॉइड मत करो। और खासकर एसजीडी एस्पिरेंट के लिए, कोई गदर पिक्चर में शूटिंग करने जा रहा है तो कोई लड़की को रात को 12 बजे उठा रहा है, हॉस्टल में देखिए लड़कियों ने ये कांड किया, ये सब करने का जरूरत नहीं है, और पढ़ाई करने का जरूरत है अभी, ठीक है। गदर पिक्चर में ये पिक्चर का हीरो बन रहा है, बन रहा है, पतली कमरिया मोर हाय हाय, ये सब फालतू चीज मत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, छोड़िए ना, जिसको जो करना है करने दीजिए, हम लोग अपने ऊपर फोकस करना है, क्या भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं। और ये मत बहाना दीजिए कि 8 घंटा काम करके आ रहे हैं तो पढ़ाई करना मुश्किल है, ये हम लोग का मन का एक वहम है जिसको हम लोगों ने पाल के रखा हुआ है कि पढ़ाई करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग खुद पढ़ाई करना नहीं चाहते, ये डर है हम लोग का। जिस दिन हम लोग ये डर से लड़ना सीख गए, मैथ क्या है सुमित भाई, कुछ है, कुछ नहीं है, जितना डरोगे उतना डर आएगा, बस कितना डर आएगा, हमें डरना नहीं है, अब होगा तो होगा, करना है तो करना है ना, एक बार क्वेश्चन को जीत पे ले लो ना, जैसे होता है ना कि आज अगर कैसे लोग होता है प्रेमी के लिए, अपने प्रेमिका के लिए लोग हाथ काट देता है कि अपने कैसे भी अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा कुछ भी हो जाए, ऐसे का मतलब जोश रहता है, वैसे पढ़ाई के प्रति भी जोश लगाओ, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा तो आज तो खाना नहीं खाऊंगा, इसकी मांग लगाते रहो लगाते रहो लगाते, काहे नहीं सॉल्व होगा, लेकिन आप लोग उतना सीरियसली लेते ही नहीं हो पढ़ाई को, और लेना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए स्कोर अच्छा आए, पास हो ना हो, नौकरी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत करना चाहिए। कल को मेहनत करके आप हार भी जाओगे ना तो आपके अंदर एक प्राउड फील होगा कि साला हम लोगों ने मेहनत किया था अपने लाइफ में, और हुआ चाहे नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपना 100% दिया था एसएससी को, और एसएससी को उखाड़ के रख दिया था, क्या भाई ठीक बोला कि नहीं। और काम करके ना पढ़ाई करना आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जिस टाइम आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका एसएससी में जॉब हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको एक प्राउड फील होगा कि हमने ये जॉब पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी अपने लाइफ में, रात रात भर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया था, कुली का काम किया था, सुपरवाइजर का काम किया था, बहुत ज्यादा मेहनत किया था, तब जाके आज हमें ये जॉब हासिल हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सबके लिए कि आज हम इतना मेहनत करने के बाद एक अच्छे जॉब प्रोफाइल में है, जिसका पिताजी ठेला में काम करता हो, जिसका पिताजी नाला साफ करता हो, उसका पिताजी सिक्योरिटी गार्ड काम करता हो, उसका पिताजी लेबर का काम करता हो, उसका बेटा कल अगर सीआईएसएफ में हो, एसएसएफ में हो, बीएसएफ में हो, और उसके पिताजी को उसके बेटे के नाम से जाना जाए, इससे बड़ा प्राउड का चीज तो और सुमित भाई कुछ हो नहीं सकता मेरे लाइफ में मेरे ख्याल से, और यही आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो उस दिन के लिए पढ़ाई करना है जिस दिन अपने बाप को अपने नाम से पहचाना जाए, अपने पिताजी को अपने बेटे के नाम से पहचाना जाए कि हाँ इसका बेटा सीआईएसएफ में जॉब करता है, इसके उस दिन आपके पापा का जो सर है ना वो सम्मान से खड़ा हो जाए, और उस दिन के लिए हमें पढ़ाई करना है और जान लगा देना है आपकी बात, क्या सुमित भाई, जय हिंद जय भारत, क्या भाई क्या बोल दे डायलॉग, कोई दिक्कत नहीं है, जान लगा दो या फिर जाने दो कि थ्योरी पे काम करना है, जय हिंद जय भारत। होपफुली इस वीडियो से बहुत भाइयों को मोटिवेशन मिला होगा, इस मोटिवेशन को कम मत होने देना अपने अंदर, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है, चाहिए तो चाहिए, और नौकरी कैसे भी चाहिए, जय हिंद जय भारत।